सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके भी PC में विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज ऑटोमेटिक ओपन होता है तो इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले माई कंप्यूटर ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लोकल डिस्क में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूज़र में जाना है। यूज़र में जाने के बाद आपका जो यूज़र नेम है आपके PC का, जैसे कि मेरा यहाँ पर AQ है तो मैं यहाँ पर AQ में फ़ोल्डर में जाता हूँ। आप भी अपने PC का जो यूज़र है आप उस फोल्डर में जाइए। जाने के बाद आपको यहाँ पर ये जो वीप का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर हिडन आइटम्स के बॉक्स में चेक कर देना है। ये ऑलरेडी अनचेक रहता है तो आपको चेक कर देना है। आपके जितने भी हाइड फोल्डर्स या फाइल्स रहते हैं वो आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप डाटा में जाना है। ओके, यहाँ पर ये ऐप डाटा है तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर लोकल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद पैकेज में जाना है। आपको यहाँ पर सिंपल ये पैकेज के अंदर जाते हैं। जाने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज -AWE ये फोल्डर को आप डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको AC के फोल्डर में जाना है। उसके बाद हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज वाले फोल्डर में जाते हैं। जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक यूज़र का फोल्डर दिखता है, फिर से आपको इसके अंदर जाना है। जाने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट में जाना है। डिफ़ॉल्ट में जाने के बाद आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पर रिकवरी का दिखता है तो हम इसके ऊपर भी क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर एक फोल्डर है, आपको एक्टिव में जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर एक फोल्डर देखने को मिलता है। तो इस फोल्डर जितने भी आपको यहाँ पर सारे फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर मेरे पास फिलहाल ये एक फोल्डर है। अगर आपके पास ऐसे 4, 5, 3 फोल्डर अगर हैं तो आप पूरे फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस फोल्डर को जो है आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद इस विंडोज़ को मैं क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपने PC को जो है रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह हिंदी में वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।